वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में आज हम एडम स्मिथ की जीवनी के बारे में कुछ स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो एडम स्मिथ जो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, नॉर्मल व्यक्ति से वो जो है एक अर्थशास्त्री किस तरह से बने और उनका जो पूरा का पूरा लाइफ स्पैन है एक नॉर्मल इंसान से अर्थशास्त्री बनने के बीच का, वो सारा का सारा जो उनका एफर्ट्स हैं और उनकी जो सफलताएं हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एडम स्मिथ के मेन इकोनॉमिक थॉट्स थे वो कौन कौन से थे। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट एडम स्मिथ को एज एन इकोनॉमिस्ट के रूप में जानते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे और उसके साथ साथ वो एक मॉरल फिलोसोफर भी थे और पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी उनकी रुचि देखने को हमें मिलती है। एडम स्मिथ को जो है इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है और जो कैपिटलिज्म का फादर है वो भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ का जन्म 1723 जून में हुआ था जो कि यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु भी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी जो कि 17 जुलाई 1790 में मानी जाती है। अब एडम स्मिथ की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में मैं आपको कुछ एक जो उनके फैक्ट हैं जिंदगी के उनके उनसे रूबरू करवाना चाहूंगी और इसमें हम देखेंगे कि उनकी लाइफ की विभिन्न विभिन्न स्थितियों में उन्होंने किस प्रकार से सीखा है और अपनी जो रचनाएं हैं उनको लिखा। सो एडम स्मिथ जो थे वो इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर और मॉरल फिलोसोफर भी थे और उसी के साथ साथ वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे और उसी के साथ साथ ही जो एडम स्मिथ है उनको इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। उस समय की जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके निर्माण में एडम स्मिथ का नाम जो है वो सबसे पहले आता है और उनकी जो पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक ने बहुत सारे जो उस समय के इतिहासकार थे और जो अर्थशास्त्री थे उनको बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था। और उस समय के बहुत ही विख्यात जो राजनेता थे, इकोनॉमिस्ट थे, समाज विज्ञानी थे, राजनेता थे, वो सभी के सभी एडम स्मिथ के विचारों से प्रेरणा लेते थे। और उसी के साथ साथ जो 20वीं शताब्दी के जो मेन इकोनॉमिस्ट थे जिसमें कि कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और माल्थस, मिल और केन जैसे और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जो कि एडम स्मिथ की रचनाओं से प्रेरणा लेते थे। और एडम स्मिथ पर जिनकी रचनाओं का प्रभाव पड़ा वो थे अरस्तु, जॉन लॉक, होब्स, मेडविल, फ्रांसिस हसन और ह्यूम जैसे जो विद्वान थे उनका प्रभाव एडम स्मिथ के ऊपर था। एडम स्मिथ को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगते थे उसमें इकोनॉमिक्स था, राजनीति दर्शन था, नीति शास्त्र था और उसके अलावा जो इनको विशेष मान्यता प्राप्त हुई वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि जो एडम स्मिथ के जन्म के ऊपर जो विवाद रहे हैं, कुछ एक जो विद्वान है वो एडम स्मिथ का जन्म जो है वो 5 जून 1723 को मानते हैं और कुछ एक जो विद्वान है वो उसी वर्ष के 16 जून को उनका जन्मदिन जो है वो मानते हैं। एडम स्मिथ के जो पिता थे वो कस्टम डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी थे और उनका जो निधन था वो एडम स्मिथ के जन्म के 6 महीने पहले ही हो चुका था। सो बेसिकली जो एडम स्मिथ के जो पेरेंट्स थे उनकी वो इकलौती संतान थी और जब वो 4 साल के थे तब उनका जो था वो अपहरण कर लिया गया था या फिर उनको जो है वो किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद उनके चाचा ने उनकी माँ की सहायता की और उसके बाद जो है उनको जो है वो सुरक्षित प्राप्त कर लिया गया। फिर उस घटना के बाद एडम स्मिथ की मां ने उनको ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया और उस समय जो एडम स्मिथ थे उनकी जो एज थी वो महज 14 इयर्स थी। एडम स्मिथ जो थे वो अध्ययन में ज्यादा रुचि रखते थे इसीलिए जो उनका माइंड था वो एक इंटेलिजेंट माइंड था, उसी के कारण उन्होंने जो है स्कूली स्तर की पढ़ाई काफी अच्छे अंकों के साथ जो थी वो पूरी की थी और इसी के कारण उनको जो है वो स्कॉलरशिप मिलने लगी जिससे वो आगे के अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने के बाद उन्होंने जो था वो प्राचीन यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, और उस समय जो था उनके लैंग्वेज के क्षेत्र में उनको ज्यादा रुचि थी। भाषा विज्ञान का जो था उनको अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, बल्कि ये जो शौक था उनका आगे चलकर बदल गया। और उसके पश्चात जो उनकी ग्रेजुएशन थी वो 1738 में जो थी वो कंप्लीट हुई थी, और ये जो इनको जो ग्रेजुएशन करने में इनको गाइडलाइंस दी वो फ्रांसिस हजसन ने दी थी, जो कि उनकी जो ग्रेजुएशन थी वो नैतिक दर्शन शास्त्र में जो थी वो कंप्लीट हुई थी। और जबकि जो एडम स्मिथ थे वो एक इंटेलिजेंट माइंडेड स्टूडेंट थे, सो इसलिए उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो जो थी वो कॉलेज लेवल पर भी पहचानी जाने लगी थी। और जब वो अपनी ग्रेजुएशन करके अपने गांव वापस पहुंचे तो उस समय तक वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दे चुके थे, और उनकी जो इंटेलिजेंस थी और उनकी जो ख्याति थी जिसको हम बोल सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा फैलने लगी थी। अ ट्रेटीज ऑफ ह्यूमन नेचर जो कि डेविड ह्यूम की एक बहुत ही चर्चित कृति थी, इसका अध्ययन एडम स्मिथ ने 1740 में किया था, और इससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। और उसके बाद 1751 में स्मिथ को जो है वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में तर्कशास्त्र के जो लेक्चरर थे या फिर प्रवक्ता थे उसकी नौकरी जो थी वो मिल गई थी, और उसके अगले ही साल उनको जो है वो नैतिक दर्शन शास्त्र में जो था वो विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया था। और उनकी जो राइटिंग है और उनके अध्ययन के साथ साथ ही उन्होंने 1759 में अपनी पुस्तक जो थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स जो थी वो पूरी की। ये जो उनकी रचना थी ये उस रचना के प्रकाशन के साथ साथ ही चर्चा में आ गई थी, और उसके अलावा ये जो उनकी रचना थी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बिकनी शुरू हुई, जिसमें कि अंग्रेजी, जर्मनी और फ्रांसीसी जो संस्करण थे वो प्रमुख थे। एडम स्मिथ के उस रचना के बाद उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे, जिसके कारण उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके कुछ सालों के बाद ही वो अपने गांव वापस आ गए, जहां पर उन्होंने अपनी जो चर्चित पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पूरी की थी, जो कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का जो था एक कॉम्बिनेशन था। 1776 में जो थी वो वेल्थ ऑफ नेशन जो थी वो प्रकाशित हो गई। उसके साथ साथ ही एडम स्मिथ की जो गणना थी वो उस समय के विद्वानों में होने लगी थी। 1783 में एडमंड रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें कि एडम स्मिथ को जो था उसका संस्थापक सदस्य जो था वो नियुक्त किया गया। एडम स्मिथ की जो मैरिड लाइफ थी उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो एडम स्मिथ है वो अध्ययन में जो थे वो दिन रात ही बिजी रहते थे, और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मैरिजेस वगैरह करे, इसलिए जो एडम स्मिथ थे वो आजीवन अविवाहित रहे थे। और उसी के बाद 19 जुलाई 1790 को उनका जो था वो देहांत हो गया था। अब हम जो एडम स्मिथ के मेन इकोनॉमिक थॉट्स थे उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स में इन थॉट्स का क्या रोल था। एडम स्मिथ के जो इकोनॉमिक थॉट्स थे उसमें हम फर्स्ट नेचुरल लॉ को डिस्कस करेंगे। एडम स्मिथ का मानना था कि जो नेचुरल लॉ है उसी के अनुसार जो है एक इकोनॉमी को चलना चाहिए, और उनके फिलॉसफी के अनुसार जो है वो एक इकोनॉमी की जो पूरे एक्शंस होते हैं उनको जो है वो फ्री रहने देना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट ही उनको रहने देना चाहिए। एडम स्मिथ का मानना था कि सोसाइटी का हर एक मेंबर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में सोचेगा, तो ये जो है वो आउटपुट को जो है वो मैक्सिमाइज करेगा, और इससे जो है बेस्ट एबिलिटी जो है नेशन को प्राप्त होगी। एडम स्मिथ के अनुसार जो फ्रीडम है वो जो है एक इंडिविजुअल को अगर फ्रीडम दी जाए तो ये जो है सोसाइटी की जो देश का जो धन है या फिर समाज का जो धन है उसको जो है वो इंक्रीज करेगा, और उसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्रेस की और वो नेशन जो है वो अपने आप ही चलेगा। फ्री सोसाइटी और इंडिपेंडेंस से एडम स्मिथ का
बात करें ये था कि जो गवर्नमेंट है उनको जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी उनमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और जो एडम स्मिथ थे वो किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है वो चाहे इंडस्ट्री में हो या फिर कॉमर्स में हो उसका जो है वो अपोज करते थे। सेकंड जो एडम स्मिथ के मेन इकोनॉमिक थॉट में आता है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। जो एडम स्मिथ है वो प्रोडक्शन के थ्री जो फैक्टर्स थे बेसिकली उनको मानते थे, जिसमें कि लेबर, कैपिटल एंड लैंड जो है वो मेन है। एडम स्मिथ ने जो है वो कैपिटल, लेबर और लैंड को जो है वो इनकम का जो है वो फंक्शन बताया है। एडम स्मिथ का मानना था कि जो लेबर है वो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उनका मानना था कि जो लेबर है वो जो है पूरे के पूरे जो नेशन है उसकी जो उसके द्वारा की गई जो डिमांड्स है उनकी जो सप्लाई है उन डिमांड्स की जो सप्लाई है उसको पूरा करने में एफिशिएंट है, और जो किस कोई भी जो सोसाइटी है उनकी जो जरूरतें हैं या फिर जो उनकी कन्वीनियंस है उनका जो ध्यान है वो सिर्फ लेबर फोर्स ही रख सकती है और उसी के साथ साथ ही उसको सप्लाई कर सकती है। तो एडम स्मिथ ने किसी भी देश के जो लेबर हैं उनको जो है वो फादर माना है उस देश की तरक्की के लिए, और उसी के साथ साथ जो लैंड है उसको जो है एज अ मदर उन्होंने माना है। थर्ड जो उनका इकोनॉमिक थॉट है वो है लेजर फेयर पॉलिसी। जो एडम स्मिथ की जो थ्योरीज हैं वो जो है लेजर फेयर पॉलिसी पे बेस्ड हैं। अब एडम स्मिथ के अनुसार लेजर फेयर का मीनिंग ये है कि जो वहाँ की जो स्टेट है या फिर जो किसी देश की गवर्नमेंट है उनको जो है वो प्रोडक्शन पर किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है उन पर नहीं लगानी चाहिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ वहाँ के उनको जो है वो फ्रीडम देनी चाहिए। एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं उनमें उन्होंने जो है वो सेविंग, डिवीजन ऑफ लेबर और जो वाइल्ड एक्सटेंट ऑफ मार्केट है उनको जो है वो डेवलपमेंट का एक पिलर माना है, और उसमें जो सेविंग और कैपिटल अकुमुलेशन है वो जो है उनकी थ्योरीज के जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहे हैं। एडम स्मिथ की लेजर फेयर पॉलिसी जो है वो एक प्रोड्यूसर को अलाउ करती है कि वो अपनी अपने जो इच्छा से जितना मर्जी चाहे उतना जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है, और उसी प्रोडक्शन के अनुसार उसको जो है वो जो है बहुत ही ज्यादा हायर इनकम जो है वो प्राप्त कर सकता है, और उसके पास अगर हायर इनकम होगी तो उसी इनकम से वो सेव भी कर सकता है। एडम स्मिथ का मानना था कि एक इकोनॉमी जो है वो उसी समय डेवलप हो सकती है जब उस इकोनॉमी को जो है वो इंडिविजुअल हैंड्स पे छोड़ दिया जाए और जो गवर्नमेंट है उस पर कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। इंडिविजुअल हैंड्स का मतलब है कि जो मार्केट फोर्सेस होती है हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो कि जो अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाती हैं, यही जो है एक एडम स्मिथ के अनुसार ये जो है डेवलपमेंट का जो है एक रीजन है। और इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल हैंड का जो है वो एडम स्मिथ का जो पॉइंट है इसके अनुसार जो इंडिविजुअल हैंड इन द सेंस की जो मार्केट है या फिर जो सिचुएशंस हैं जो कि इकोनॉमी में अपने आप ही सर्कुलेट होती हैं, जैसे अगर एक जो इंडिविजुअल है उसको जितनी चाहे वो प्रोडक्शन कर सकता है, जितना वो उसका मन करे वो उतने प्रोडक्शन कर सकता है, अगर उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गई तो इससे क्या होगा कि उस जो प्रोड्यूसर है उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर यही जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेगा, और जो सेविंग है वो एक डेवलपमेंट का प्रतिरूप है एडम स्मिथ के अनुसार। तो इसलिए जो है इन्होंने इंडिविजुअल हैंड को जो है वो इम्पोर्टेंट माना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ जो है डिवीजन ऑफ लेबर को डेवलपमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रतिरूप मानते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार जो लेबर डिवीजन है एक जो एफिशिएंट लेबर डिवीजन है वही जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो बढ़ाती है। इसको हम एक साइकिल के रूप में समझते हैं। जैसे कि एडम स्मिथ का मानना है कि जो लेबर है वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव जो है वो एक इकोनॉमी का सोर्स है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आया कि जो प्रोडक्टिव लेबर, और वही जो प्रोडक्टिव लेबर है वो जो है उसकी उसके द्वारा की गई जितनी भी प्रोडक्शन है उसको हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोलते हैं। तो
लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि टेक्नोलॉजी कितनी जो है वो एफिशिएंट है, या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोग्रेस कितनी ज्यादा है। जब टेक्नोलॉजी जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा होगी, तो ये जो है टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है वो डिवीजन ऑफ लेबर पे जो है वो डिपेंड करती है। डिवीजन ऑफ लेबर से एडम स्मिथ का मानना है कि जो जितने भी लेबर उन किसी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने जो है वो हायर किए हैं, उनको जो है उनकी एफिशिएंसी के अनुसार ही काम देना चाहिए। एफिशिएंसी इन द सेंस कि जो भी लेबर जिस काम में एफिशिएंट है बिल्कुल, उसको उसकी जो स्पेशलाइजेशन है उस टास्क की एक लेबर के पास, उसको उसी के अनुसार जो है वो काम देना चाहिए। तो इसी एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर से जो है किसी जो नेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज होगा, और वही जो इंक्रीमेंट है वो डेवलपमेंट का रीजन है। फिफ्थ जो इनका एडम स्मिथ का पॉइंट है वो है कैपिटल एक्यूमुलेशन। जैसा कि पिछले पॉइंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेविंग है उसको जो है एडम स्मिथ ने डेवलपमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। तो जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो जो है उनकी जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की, उसमें वो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। एडम स्मिथ के अनुसार जो कैपिटल अक्यूमुलेशन है या फिर धन का संचय है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड करता है। अगर जो एक प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, उससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसको इनकम आएगी, और उसी इनकम के कारण जो है वो कैपिटल की कुछ एक जो मात्रा है उसको अक्यूमुलेट कर पाएगा। सो हेयर वी कैन से दैट द कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ गुड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिव वर्कर्स एंड सेकेंडली गुड्स फॉर हेल्पिंग द वर्कर्स इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सो यही रीजन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को या फिर जो प्रोड्यूसर है उसको जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन करना चाहिए। एडम स्मिथ ने कैपिटल को जो है वो तीन पार्ट्स में विभाजित किया है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है नॉन कैपिटल, और सेकेंड है सर्कुलेटिंग कैपिटल, एंड थर्ड है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। जो नॉन कैपिटल गुड्स होती हैं वो जो है वो डायरेक्ट और इमीडिएट जब एक ओनर को उसकी जरूरत होती है उस समय के लिए जो है वो उसको यूज किया जा सकता है। और फिक्स्ड कैपिटल में वो कैपिटल आती है जिसको जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसमें हो गई मशीनरी, इसका जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और लास्ट लास्ट पॉइंट जो एडम स्मिथ के इकोनॉमिक थॉट्स में आता है वो है एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं वो फार्मर होते हैं, और उसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सभी के सभी जो हैं एक इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रोथ हैं। तो जैसे कि एडम स्मिथ ने फ्री ट्रेड को जो है वो प्रेफरेंस दी है, सो इनका मानना है कि जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जो है वो फ्री जो है वो रहने देना चाहिए, उन पर जो है वो किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और उनको जो है वो मार्केट का एक्सपैंड करने देना चाहिए, और यही जो है इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उनके रीजन होते हैं। एडम स्मिथ का मानना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो डेवलपमेंट है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप होगा तो वो जो है कंस्ट्रक्शन उससे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उससे इंक्रीज होंगे, और जब कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्रीज होगा तो उससे जो है वो कॉमर्स पर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे कि जो कॉमर्शियल सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो आर्टिकल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। एडम स्मिथ के अनुसार ये जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉमर्स और जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि होगी उससे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ेंगे, और कंस्ट्रक्शन वर्क्स बढ़ने से जो है वो कॉमर्स सेक्टर भी डेवलप होगा।
और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो उस समय ही बढ़ेगी जब उसमें जो है वो एडवांस टेक्निक्स का यूज होगा। इसीलिए जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो है एक फार्मर और एक प्रोड्यूसर और जो बिजनेसमैन है उनकी जो एमरजेंस नीड्स होती हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में उनके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।